जाके मेरे कुछ दोस्त हैं, कहते देखो अमेरिका कितना अच्छा है। तो मैंने कहा क्या है कि देखो सड़क के ऊपर सड़क, हाँ यही बहुत बड़ी भारी बात, एक सड़क उसके ऊपर सड़क फिर उसके ऊपर सड़क, तो तीन तीन सड़क तो चार चार सड़क, देखो कितनी चौड़ी चौड़ी सड़क, कितनी लंबी लंबी सड़क, कहीं गड्ढा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, देखो कितनी अच्छी सड़क, 150 किलोमीटर की स्पीड से ले जाओ, 200 किलोमीटर की स्पीड से ले जाओ, 300 किलोमीटर की स्पीड से ले जाओ। फिर उससे ज्यादा पूछिए कि भाई जरा ये बताओ इस सड़क पे बलात्कार कितने होते हैं, तो आपकी रूह कांप जाएगी अगर आप उनके आंकड़े सुनेंगे। न्यूयॉर्क अमेरिका का हर्ट माना जाता है, न्यूयॉर्क का हर्ट माना जाता है एक इलाका, हालांकि अमरीकी उसको स्वीकार नहीं करते, मैं कहता हूं हार्लेम, अमरीका देखना हो तो हार्लेम में जाइए पहले, तब आपको दिखाई देगा कि अमरीका का असली चेहरा क्या है। वॉशिंगटन डीसी के आसपास आप घूम के चले आएंगे तो आपको अमरीका समझ में नहीं आएगा, अमरीका को समझना है तो हार्लेम में जाना पड़ेगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि भुखमरी कितनी है, बलात्कार कितने होते हैं, चोरियां कितनी होती हैं, डकैतियां कितनी पड़ती हैं। अभी तो अमेरिकन सरकार के आंकड़े हैं, उनका एक कमीशन है, प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उन्होंने एक कमीशन बिठाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका में एक मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका में एक मिनट में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं, अमेरिका में एक मिनट में सबसे ज्यादा छेड़खानी की ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कई बार मृत्यु तक हो जाती है, अमेरिका में सेक्स और सेक्स से संबंधित बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा, और ऐसी ऐसी बातें आप सुनते चले जाइए तो आपका दिल कांप जाएगा। और क्राइम अमेरिका में लगातार बढ़ रहा है, किसी के रोके नहीं रुकता है। अमेरिकन सरकार का जो बजट आता है, या ऐसे माने कि अमेरिकन सरकार का जो नेट रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका करीब करीब 15 से 20% क्राइम को रोकने में खर्च होता है, नेट रेवेन्यू कलेक्शन का, फिर भी क्राइम रुकता नहीं है। और क्राइम किस लेवल के होते हैं, 11 साल का बच्चा बंदूक निकाल के 5 बच्चों को मार देता है अपने स्कूल में, वॉशिंगटन में अभी हुआ, वॉशिंगटन डीसी, 13 साल का बच्चा जेब में रिवॉल्वर लेके आता है, क्लास में शूट कर देता है अपने अध्यापक को क्योंकि अध्यापक ने उसको पनिशमेंट दिया, 12-15 साल के 10-12 बच्चे खुली जीप में बैठते हैं और दनादन गोलियां चलाते हुए निकलते हैं, बाद में पुलिस उनको अरेस्ट करती है, पूछती है कि तुमने ये क्यों किया, फॉर द सेक ऑफ द फन, थ्रिल है इसमें, रोमांच है ये करने, वो अमरीका है। क्लास में कोई टीचर पढ़ाए और बिना बेइज्जत होकर निकल आए तो ये आश्चर्य की बात मानी जाती है वहां, कोई भी क्लासरूम में टीचर घुसे और वो टीचर बिना बेइज्जत होकर उस दिन बाहर निकले तो मान लीजिए आपने बहुत बड़ा खिलाफ फतह कर लिया। बच्चे जिस तरह की बेइज्जती करते हैं अपने अध्यापकों की, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और किससे तो यहां तक है कि बच्चों के अपने अध्यापकों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका वो देश है जहां होमोसेक्सुअलिटी सबसे ज्यादा है। बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो सबसे पहला कानून बनाया अपने देश में, होमोसेक्सुअल लोगों को शादी करने की छूट दी, पुरुष पुरुष से शादी करे, महिला महिलाओं से शादी करे। फिर दूसरा कानून बनाया बिल क्लिंटन ने कि आर्मी में नेवी में होमोसेक्सुअल्स की भर्ती हो सकती है, जो अब तक पाबंदी लगाई गई थी जिस पर। तो 50 बार सोचिए भारत को अमरीका बनाने से पहले, 50 बार सोचिए भारत को यूरोप बनाने से पहले। मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान को आप हिंदुस्तान ही रहने दीजिए, इसको अमेरिका बनाने की कोशिश मत करिए, यूरोप बनाने की कोशिश मत करिए, इसको भारत ही रहने दीजिए। हां इतना जरूर करिए कि भारत के भारतीय रहने में जो गड़बड़ियां पैदा हो गई हैं पिछले 1-1.5 हजार साल में, इनको दुरुस्त कर लीजिए तो ये समाज बहुत आगे निकल जाएगा। उन गलतियों को, उन गड़बड़ियों को जो हमारी सभ्यता में पनपी पिछले 1-1.5 हजार साल में, और आप जानते हैं लंबे समय तक अगर किसी भी सभ्यता पर बाहरी आक्रमण होते रहें तो वो समाज तो टूटना फूटना शुरू हो ही जाता है। हम तो 3rd century BC से अटैक झेल रहे हैं, सिकंदर आया और सिकंदर के बाद लाइन लगी इस देश में, बीच में कुछ ऐसा पीरियड था 200-500 साल का जिसमें कोई नहीं आया अटैक करने के लिए, लेकिन आते ही रहे।
तो जो समाज 1,500 साल बाहर के आक्रमणों को झेलता रहा हो उस समाज में आंतरिक गड़बड़ियां और विकृतियां आना बहुत स्वाभाविक है। हमारी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि पिछले 1,500 साल में 2,000 साल में जो आंतरिक विकृतियां आई हैं हमारे समाज में उनको हम ठीक कर लें, माने भारत को ज्यादा अच्छा भारत बना लें। ये तो हम सबके लिए संभव है, भारत को अमेरिका बनाना संभव नहीं, भारत को यूरोप बनाना संभव नहीं, और अगर ये काम करना है तो स्वदेशीकरण करना ही होगा। तो हम स्वदेशी आंदोलन क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इस पूरे भारतीय समाज का हमें स्वदेशीकरण करना है। कहां कहां ये विदेशी है उसकी पहचान करनी है, फिर उस पहचान के आधार पर कहां कहां इसे स्वदेशी बनाना है उसके लिए प्रयास करना है। अभी तो मेरे जैसे आदमी के लिए मैं तो आपसे पूरी विनम्रता से यह कह रहा हूं कि अपने आप को ना तो मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानता हूं ना मैं सोशल साइंटिस्ट हूं, मैं तो साइंस टेक्नोलॉजी का आदमी, लेकिन अभी एंथ्रोपोलॉजी भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, सोशल साइंस भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, और इस कोशिश में कई बार मेरे मन में भ्रम हो जाता है कि मैं कहां भारतीय हूं कहां विदेशी हूं। अपने जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अपने पूरे चित्त के साथ अपने पूरे मन की शुद्धि के साथ मैं स्वदेशी बनने की कोशिश में लगा हुआ हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं वहां पर विदेशी हो जाता हूं, स्वदेशी नहीं रह पाता। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे आदमी के साथ जब इतना बड़ा संकट है तो बाकी लोगों के बारे में तो कल्पना करना हमको चाहिए, तो ज्यादा मेहनत के साथ हमको स्वदेशी बनने में कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश से कुछ भी संभव है, क्योंकि अभी भी हम पूरे विदेशी नहीं हुए हैं, अभी भी हम आंशिक रूप से विदेशी हुए हैं, मानस में कुछ परतें विदेशीपन की घुस गई हैं, वो हटाते चले जाएंगे तो काफी स्वदेशीपन हम में आता चला जाएगा। और फिर प्रश्न ये आएगा तो क्या हम आधुनिक रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मैं एक बहुत गंभीर बात कहता हूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रहते हुए भी हम आधुनिक हो सकते हैं,